और विक्रांत जब अच्छा नागिन डांस लगता है भारतीय कर रहे हैं आज, नागिन डांस का क्या होगा? नागिन डांस का वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो तो आप इससे इसी पूछिए यार। ये ना बेचारे जब काफी देर मैच से पहले मैच से आप ये तो बताइए कहाँ कहाँ से आए हैं? हम जी लुधियाना से हैं। अमृतसर, अमृतसर अच्छा ऑस्ट्रेलिया से हम हैं, मिलड्यूरा से। इंग्लिश में बोलना है, वी आर फ्रॉम मिलड्यूरा। यू हैव टू डेफिनेटली आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। वी ऑल आर फ्रॉम विक्टोरिया। ग्राय माड हाई गाउन। व्हाट डू यू वांट टू आस्क? स्केयर फॉर इट। व्हाट हैपेंड टू दैट नागिन डांस? The Nagin dance. Nagin. Speaking. Nagin. What's Nagin? Nagin. What's Nagin? You know, there was a fight happened today. The Indian fan were doing Nagin, and Bangladesh was like. हालांकि मैं ऑनेस्टली आई एम डूइंग नागिन हियर। आई एम हु वांट टू फाइट मी। नहीं कोई नहीं कोई नहीं। ये अपना मुंडा मुंडा जट्टा का मुंडा एक स्टेज पे गया था मैच नहीं। हाँ जी, थोड़ा सा हमें लगा था, थोड़ा सा हमें लगा था मगर अर्शदीप भाई ने बचा लिया हमें। थोड़ा सा लगा था या तो ज्यादा लगा था मुझे? नहीं, थोड़ा सा ही था। बॉल पे छक्का जो परफॉर्म है, थोड़ा सा ही था। अब आप लोग नेक्स्ट मैच जा रहे हो? हाँ जी बिल्कुल जाएंगे। मिल रहे हो? हाँ जी बिल्कुल मिलेंगे। और मिलेंगे बिल्कुल बिल्कुल। आप इतिहास है जो बांग्लादेश के साथ आ जाता है, क्योंकि चिढ़ाने के लिए बांग्लादेश ने पहले इस्तेमाल किया था, लेकिन अब फैंस, हालांकि भारतीय खिलाड़ी नहीं करते हैं ऐसा मैदान के अंदर, और वो स्पोर्टिंग स्पिरिट के तहत भी आता है। पर मदन जी, यहाँ पर एक और चीज जो सामने आती है वो ये कि टीम इंडिया को मालूम है कि देखिए आप दो देशों के बीच जब आप टूर्नामेंट खेल रहे हैं उसको जीत लेना, माफ कीजिएगा एक सीरीज, तब अलग बात होती है, पर एक आईसीसी टूर्नामेंट बहुत दिनों से मिस कर रहा है, हमारे पास नहीं है एक बड़ी जीत। हाँ, बड़े दिनों से मिस कर रहे हैं। होपफुली कि इस ये वर्ल्ड 2020 का जो वर्ल्ड कप है हमारी टीम ले डिजर्व कर रहे हैं, डिजर्व करती है। बिकॉज देखिए डिजर्व करती है क्योंकि इनके पास हर चीज है जो कि वर्ल्ड कप जीत सकती है। वर्ल्ड कप जीतने के लिए अभी जो सुरेश बात कर रहे हैं, देखिए 11 के 11 प्लेयर है ना, किसी ना किसी को गिरदार अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी हर मैच में। एक दो आदमी नहीं जिता सकते, आपको कोई ना कोई साथ में चलना जरूरी रहता है। तो वो इंडियन टीम के साथ हो रहा है क्योंकि कॉम्बिनेशन बन रहा है। देखिए ऊपर से राहुल ने किए, विराट ने किए, नीचे से आके अगले मैचेस में आप हो सकता है, हम आशा करेंगे कि हार्दिक पांडे रन बनाए थोड़े से, और बॉलिंग में ऐसे ही है हर्षदीप गरा, हम चाहेंगे कि मोहम्मद शमी अपनी लय में आए। तो ये जो होता है ना कॉम्बिनेशन कंबाइन कर जाती है टीम, तो जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। बाकी बिल्कुल सही कहा आपकी, आपका क्रिकेट का ग्रोथ ही तभी होता है जब आप बड़ी बड़ी वर्ल्ड कप के ट्रॉफियां जब जीतते हैं। और अब विराट कोहली की कप्तानी में यही एक चीज उनको खल गई, एक बहुत बड़े खिलाड़ी बहुत रन बनाए लेकिन एक वैसी ट्रॉफी नहीं है जो वो हमेशा याद रखेंगे। पर अब रोहित शर्मा के पास ये अपॉर्चुनिटी है और टीम इंडिया उस लय में दिख रही है कि हम शायद वर्ल्ड चैंपियन हो जाए एक बार। और रन तो विराट ही बना रहे ना, उनको उनको उनका फॉर्म में रहना बिल्कुल, वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनेंगे, रोहित शर्मा के हाथ में ट्रॉफी होगी। तो दोनों विन विन सिचुएशन हमारे लिए। विराट जब कप्तान थे उन्होंने उसमें हर टूर्नामेंट में रन बनाया, लेकिन रोहित को पता है उसको आईपीएल ट्रॉफी हो या फिर वर्ल्ड कप हो उसको जीतना आता है वो। और 2007 जब एमएस धोनी वर्ल्ड कप जीते थे उस टीम का हिस्सा थे वो, और कब से ऑलमोस्ट 8-9 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं वो। तो अगर ये टीम का जो मॉरल है, टीम की यूनिटी बहुत अच्छी दिखी, वही टीम लग रही जो 2007 में थी वो। वहां पर जोगिंदर शर्मा हीरो बने थे, मुझे लगता है इस बार वर्ल्ड कप में अर्शदीप सिंह हीरो बनेंगे, क्योंकि वो एक लक फैक्टर होता है, टीम की एक बॉन्डिंग होती है। और सबसे अच्छी बात है जिस तरह से पूरी टीम परफॉर्मेंस करे, जैसे पाजी ने बोला एक बंदे से परफॉर्मेंस से नहीं होता, एक से 11 तक, 11 के बाद जो 5 बाहर भी बैठे ना उनको भी आके एक्स्ट्रा कैच पकड़ना पड़ेगा, कि जल्दी से जाके उसको कुछ अच्छा मैसेज कर, क्योंकि बारिश हो रही है। डकवर्थ लुईस का वही रूल है, आप जल्दी से पेपर होता है आपके बैटिंग के बैट्समैन के पॉकेट में, आपको रीड करना पड़ता है जब आप चेस करते हो, फिर मैसेज आता है कोच की तरफ से कि नहीं आपको विकेट नहीं गिराना है, मेक श्योर आप रन बनाओ। तो टीम की जो पूरी टीम मुझे लगता है बहुत अच्छा खेल रही है, और मेरी शुभकामनाएं टीम को। और ये एक डकवर्थ लुईस जो नियम है ना, किसी को मालूम नहीं है इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तो लास्ट में बस लिस्ट आ जाए, वो लिस्ट आ जाएगी, वो अंपायर आपको लिस्ट बता देते हैं, जब अगर टारगेट जाता है ये क्या हो गया तो तब उसमें सब शॉक हो जाते हैं, आ जाते हैं फिर। इंडियन टीम को अब अपना अगला मुकाबला खेलना है जिम्बाब्वे से। विक्रांत आवाज आ रही है आपको? मेलबर्न है ना मैच? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये लोग आगे का प्रोग्राम बना रहे हैं कि सेमीफाइनल कहां पे, तो
अब टीम इंडिया कल निकल जाएगी यहाँ से मेलबर्न के लिए, में खेलता है लेकिन फर्ज कीजिए टीम कल जाएगी मेलबर्न, और मेलबर्न आपका लास्ट मैच भी है, बट अब सूरत हाल ये है ना कि अगर इंडिया टॉप करता है पूल को वो तब करेगा अगर पाकिस्तान कल साउथ अफ्रीका को हराएगा, इफ दैट हैपेंस तो इंडिया टॉप करेगा, फिर इंडिया का एडिलेड में होना है सेमीफाइनल, लेकिन अगर वो सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से है तो ऑस्ट्रेलिया बीइंग द होस्ट हैव द राइट टू प्ले इन सिडनी, तो आप रिगार्डलेस फर्स्ट आए सेकंड आए अगर आप ऑस्ट्रेलिया को खेल रहे हैं तो आपको सिडनी में ही खेल रहा है, लेकिन अगर इंडिया टॉप नहीं करता, फर्ज कीजिए कल साउथ अफ्रीका पाकिस्तान को हरा देता है तो फिर इंडिया का सेमीफाइनल सिडनी में है, तो एज ऑफ नाउ जो मुझे इंडिकेशंस दिखते हैं वो लगता है कि मोस्ट लाइकली इंडिया का सेमीफाइनल जो है वो सिडनी में ही होगा, अगर ऑस्ट्रेलिया से होता है अब वो भी सिडनी में होगा, अगर आप सेकंड आते हैं तो भी सिडनी में ही होगा।